और बाइबल से मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय मत्ती 28 और हम पढ़ेंगे सोलह से लेकर बीस वचन तक। मत्ती 28 16 से 20। ग्यारह चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें यह सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। परमेश्वर पिता का वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है और बाइबल में लिखा है, यदि तू सच्चाई को जानेगा तो सच्चाई तुझे आजाद करेगी। हालेलुया। बहुत ध्यान से आज एक बार फिर परमेश्वर के वचन को सुनना, क्योंकि मैंने अभी एक बात बताई कि पिछले साल 40 से ज़्यादा बपतिस्मा मेरे जरिए हुए और पंजाब में भी कुछ बपतिस्मा हुए। अंकुर भाई के जरिए एक ही दिन में 22 बपतिस्मा हुए। ये आग लगाने के लिए बता रहा हूँ कि अगर हम परमेश्वर के पीछे चलते, अगर हम परमेश्वर का काम करते, अगर परमेश्वर हमको चुनाए, अगर परमेश्वर ने हमको पसंद किया, तो ये बातें हमारे जीवन में होनी चाहिए। क्योंकि धीरे धीरे करते हुए जिस दिन से हमने विश्वास में चलना शुरू किया था तब से लेकर आज तक हमारा जो चलना है वो प्रभु यीशु के आने के करीब जा रहा है। और जैसे जैसे दिन बढ़ते जाते वैसे वैसे मेरे प्रभु यीशु का आना जो है वो निकट हो रहा है। क्योंकि जब कभी घर में शादी होती है तो एक तारीख जो है तय की जाती है, फिर पहले तो ऐसा सोचते हैं अभी तो टाइम है, फिर उल्टी सोच सोचते अभी 10 दिन बाकी रह गए, अभी तो 9 दिन, अभी 8 दिन। बस जैसे जैसे दुनिया बढ़ती जाती है वैसे वैसे वो प्रभु यीशु का आने का दिन हमारे पास हमारे निकट वो आ रहा है। और प्रभु यीशु ये बात बोलने वाले, मैं भूखा था मुझे खिलाया, या पूछने वाले या कहने वाले कि मैं भूखा था मुझे नहीं खिलाया, दो में से एक बात वो आपके साथ होने वाली है। और आप अपने आप को अच्छी रीति से जानते हो। और अभी पिछले दिनों में चारों ओर अच्छी शांति थी, कोरोना कहीं दिख नहीं रहा था और ऐसा लगता था कि जैसे सब कुछ अभी सही चल रहा है। लेकिन मैं तो बताया ही था कि नहीं होगा ही होगा, परिस्थिति बिगड़ने वाली है और कोरोना फिर से चलने ही वाला है। और आज परिस्थिति बदल चुकी और अभी वापस देखो तो कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे, नया वायरस ओमिक्रॉन और हमारे भारत में तीसरी लहर कोरोना की, वो समझो कि उसकी शुरुआत जो है वो भी हो चुकी है। पहले बता रहे थे कि नहीं आएगी तीसरी लहर, कुछ नहीं होगा, लेकिन अभी परिस्थिति जो है वो धीरे धीरे वो बदलती जा रही है। 23 तारीख को मैंने एक अखबार में पढ़ा, अखबार था संदेश और जो वडोदरा से निकलता है उसमें, और उसके 14 नंबर के पेज पर ऐसा लिखा था कि अमेरिका की आर्मी का काम है लड़ना। तो अमेरिका की जो आर्मी है उसने कोरोना
और दूसरे कोई बीमारी लिखी थी सार्स, SARS, सार्स, ये कौन सी बीमारी लंबा मुझे नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने बताया कि कोरोना और सार्स उसके जितने भी वेरिएंट, मतलब कि उसके वायरस जो है वो जितनी भी बार बदल बदल कर आते हैं, वो सभी वेरिएंट की वैक्सीन जो है उन लोगों ने निकाल दी है, जो वायरस अभी आया भी नहीं उसकी भी वैक्सीन निकाल दी। और साथ में ऐसा लिखा था ये काम ये लोग 2020 से कर रहे थे, 2020 में शुरुआत हुई थी इसकी कोरोना शब्द की। अभी उन लोगों ने 2020 से, जब ऐसा नहीं पता था कि कोरोना कोई वेरिएंट मतलब अलग रूप धारण कर कर फिर से आएगा, डेल्टा बनकर आएगा, फिर अलग वेरिएंट मतलब दूसरा रूप डेल्टा प्लस, फिर अलग रूप ओमिक्रॉन, ऐसा कुछ बदल कर आएगा, उस वक्त ये बातें नहीं थी, तब तो पहले ही लहर थी। और तब उन लोगों ने, और वो भी आर्मी वालों ने, वो लोग कैसे वैक्सीन ढूंढ सकते हैं मुझे पता ही नहीं चलता है, आर्मी वाले का काम तो कुछ और है। लेकिन ऐसी अखबार में खबर थी, तो इसका मतलब क्या है, क्या ये ऐसा नहीं कि हमको कुछ भरमाने का प्रयत्न जो है वो प्रयत्न कर रहे। फिर उसी अखबार में उसके दो नंबर पर पेज पर एक और न्यूज़ मैंने देखा, वो न्यूज़ था बिल गेट्स को लेकर। बिल गेट्स जो अमेरिकन है और दुनिया का दूसरे नंबर पर सबसे धनिक सबसे धनवान इंसान, काफ़ी साल वो पहले नंबर पर रहा था, लेकिन बाद में उसने कुछ कारोबार अपने उस पर ध्यान रखना बंद कर दिया, इस कारण से वो दूसरे नंबर पर चला गया। उसने एक बात बताई कि पूरा वर्ल्ड वो एक महामारी, उस महामारी के बहुत बुरे दौर से या बहुत बड़े दौर की तरफ वो दुनिया आगे बढ़ रही, दुनिया भी नहीं पूरा विश्व बोला उन्होंने। विश्व का मतलब होता है सिर्फ धरती का गोला नहीं, उसमें आसमान भी आ जाता है। तो बोले ये विश्व जो है वो एक महामारी के बहुत ही ख़राब दौर में वो जा रहा है। अब ये तो बिजनेसमैन है, उसको कोरोना से कोई लेना देना है ही नहीं, वो कोई डॉक्टर नहीं है, उसको क्या मालूम। लेकिन वैक्सीन बनाने में जो पैसे रोके गए सबसे ज़्यादा मेरे अंदाज से इसी के। एक बार मैंने मैसेज में बताया था, मालूम नहीं कि ये लोग किस तरह से बढ़ा देते, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हवा में लोग कुछ डालते, या तो जो घर में पानी आता है ना उस पानी में कुछ डाल देते, जिसके कारण अचानक से लोगों को खांसी लगने लग जाती है, सर्दी होने लगती है, लोग भागते अस्पताल में, और फिर एक लहर चल पड़ती है, उनका रिपोर्ट आता है पॉजिटिव कि तुम्हें कोरोना हो गया, ओमिक्रॉन हो गया। अभी पूरे गुजरात राज्य में फर्स्ट नंबर पर वडोदरा है ओमिक्रॉन के केस में। एक पति पत्नी हरिणी रोड पर जो रहते थे वो बाहर से कहीं से आए और उनका टेस्ट किया गया, सारे टेस्ट नॉर्मल, कोई कोरोना नहीं, कोई ओमिक्रॉन नहीं, कुछ भी नहीं। हफ्ते बाद 6 दिन के बाद उनका फिर से टेस्ट किया, जब दूसरी बार टेस्ट किया 6 दिन के बाद तो बोले इनके अंदर तो ओमिक्रॉन है, ये पॉजिटिव है। अभी डॉक्टर लोग वैज्ञानिक लोग ऐसा बोलते हैं कि जिसके अंदर ओमिक्रॉन है उसी के जरिए फैलेगा, आप उसके संपर्क में आओगे तो ही फैलेगा, वरना नहीं फैलेगा। तो सोचो अभी इन लोगों को था नहीं, उनका रिपोर्ट नेगेटिव था, 6 दिन तक कुछ नहीं था, वो 6 दिन में कहीं गए ही नहीं, तो फिर ओमिक्रॉन उनके अंदर कैसे आ गया। फिर सभी ने मान लिया। उसके बाद जितने लोग उनसे मिले उनमें से एक परिवार, वो परिवार के 7 लोगों को ओमिक्रॉन निकला। जब इनका केस नेगेटिव था तब वो लोग मिलने के लिए आए थे, अब उनके 7 लोगों को ओमिक्रॉन। मालूम नहीं ये सारी बातें इंसान हजम कैसे कर सकता है, इतना बड़ा झूठ लोगों के दिमाग में घुस कैसे जाता है। लेकिन मालूम है कारण क्या है,
कारण यह है कि डर है मौत का। इसके कारण अभी किसी ने कहा कि हवा में ये लोग कुछ नहीं फैलाते, क्योंकि हवा में फैलाएंगे तो वो लोग खुद भी फंस जाएंगे। इसलिए बोले सभी एरिया की टंकी तो अलग होती है, बोले वहीं से वो लोग कुछ डालकर बेचते, जिसके कारण लोग अचानक से बीमार होने लगते। ज़्यादा कुछ नहीं होता, खांसी सर्दी होती है, लेकिन जब अस्पताल में जाते चेकअप करवाते हैं तो वो लोग बोल देते भाई आपको ओमिक्रॉन है। अभी हमें कौन से ओमिक्रॉन की पहचान, वो कैसा दिखता है कैसा है, उसको पूछ देखे भाई तू ओमिक्रॉन है कि ऐसे मुँह उल्लू बना रहे, हम उसको पूछ नहीं सकते। और इंसान जो है वो इंसान वो फंस जाता है। किसी ने ऐसा बताया कि ओमिक्रॉन इतना बढ़ेगा कि एक दिन में 14 लाख केस बनेंगे उसके, एक दिन में 14 लाख लोग जो है वो ओमिक्रॉन में फंस जाएंगे। और इस संसार की हालत बहुत बिगड़ जाएगी। अब ध्यान से समझना, मैं आपको डरा नहीं रहा और ना ही हमें डरने की ज़रूरत भी है, क्योंकि हमारे पास तो हमारे परमेश्वर है। हालेलुया, हमें हमारे परमेश्वर के साथ रहना है। और अगर हम परमेश्वर के साथ रहेंगे तो इस सारी बातों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आप परमेश्वर में नहीं हो, अगर आप मसीह में नहीं हो, जिस तरह से चलना चाहिए उस तरह से नहीं चल रहे, तो ही डरने की बात है। और फिर तो डरना ही चाहिए, इसलिए अपने आप को हर रोज़ जांचते रहो, अपने आप को परखते रहो। क्योंकि मिस्र देश के अंदर बहुत सारी मरी फैली थी, लोगों को फोड़े निकले थे, पानी का लहू हो गया था, मेंढक आ गए थे, मक्खी आ गई थी, पहलौठे मर गए थे। लेकिन सभी बातों में परमेश्वर ने क्या किया था, उसी जगह पर रहने वाले अपने लोगों को संभाल कर रखा था अलग से, ये मेरे इज़राइल के लोग हैं और इनके पास मैं किसी मेढक को नहीं आने दूंगा, इनके पास मैं मक्खी को नहीं आने दूंगा, इनको मारने के लिए, इनके पहलौठों को मारने के लिए कोई नहीं आएगा, ना इनको फोड़े निकलेंगे, कुछ भी नहीं। और आज भी हमारे परमेश्वर का वचन यही कहता है कि हमारे परमेश्वर कल आज और युगानुयुग एक से ही है, वो कभी नहीं बदलते, तो बदलने वाले नहीं है। आज भी हमारे परमेश्वर वो अपने लोगों को जिस तरह से मिस्र देश में अलग रखे थे, आज भी हमारे परमेश्वर चाहे कितनी भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी भयानक सी परिस्थिति आ जाए, तीसरी लहर चले, चौथी लहर चले, या कितनी भी लहर चलाए, या टंकी में कुछ डाले, या हवा में कुछ डाले, या ना डाले, जो भी हो, लेकिन अगर हम परमेश्वर में है, अगर हम परमेश्वर के लोग हैं, तो हमारे परमेश्वर आज भी उस मिस्र देश की तरह हमें, उस मिस्र देश के अंदर उस इज़राइल लोगों की तरह हमें अलग से रखेंगे और परमेश्वर हमें कुछ नहीं होने देंगे। और इसीलिए परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को बोला था कि तू उस एंटीकाइस्ट को रोक ले और पहले मेरे दासों के ऊपर मुहर लगा दे। और उनको बताया गया कि जब तक मैं मेरे परमेश्वर के दासों के ऊपर मुहर ना लगा दूँ तब तक तुझे कुछ नहीं करना है। और फिर दुष्ट आत्माओं को, बीमारियों को, श्रापों को आज्ञा दी गई कि जाओ, लेकिन किसी पेड़ को या घास को किसी को भी नुकसान मत पहुंचाओ, किसी को हानि मत पहुंचाओ, लेकिन जिनके सर के ऊपर पवित्र आत्मा की मुहर नहीं है उस बिना मुहर वाले को परेशान करो या उससे मार दो। और ये जो पवित्र आत्मा की ये जो मुहर है, ये मुहर है क्या? ये मुहर जो है वही तो ये बात दर्शाता है कि ये मेरे परमेश्वर के लोग हैं। ये मुहर से ही पता चलता है कि परमेश्वर के लोग कुछ अलग से है, ये मुहर ही साबित करती है। अभी मंजू बहन ने अच्छी गवाही दी, पिंकी बहन ने गवाही दी, क्रिसमस को लेकर गवाही दी कि क्रिसमस जो है उन्होंने ही मनाई, बहुत अच्छी बात है क्रिसमस नहीं मनाई। बाइबल में भी लिखा है, हम पढ़ते एक वचन गलाती उसका 4वां अध्याय और उसका 10वां वचन,
जानते हो। मैं तुम्हारे विषय में डरता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया है तो व्यर्थ हो। पौलुस ऐसा कहते हैं कि तुम किसी दिन को मनाते हो, किसी महीने को भी मनाते हो, आते हैं ना हमारे भी महीना आएगा, फरवरी से आधा फरवरी जाएगा तब तकरीबन शुरू होगा। एक बार मैं कहीं पर जॉब कर रहा था और उस दिन गुड फ्राइडे था, मुझे बोलता है हैप्पी गुड फ्राइडे। वे शर्म नहीं आती, मालूम हमारा कितना दुख का दिन है आज और तू हैप्पी गुड फ्राइडे बोलता है मुझे। बोले क्या हुआ आज, अरे हमारी समझ से मर गए थे क्या? बोला सॉरी सॉरी है, मुझसे गलती हो गई, आज मुझे याद आता है तो मैं मुझ पर ही हंसता हूँ। लेकिन 40 दिन आएंगे हमारे भी है ना, और लोग उपवास रखेंगे उस वक्त। तो पौलुस कहते हैं कि मुझे डर लगता है कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत मेहनत की और तुम लोग किसी दिन को मनाते हो, तुम लोग तो किसी महीने को मनाते हो। मुझे डर लगता है कि मैंने जो मेहनत की कहीं व्यर्थ ना चली जाएगी, मतलब ये कोई त्यौहार मनाते मनाते कहीं आप लोग नाश ना हो जाओ, बोले कहीं गलत रास्ते पर ना चले जाओ, कहीं उसमें ना घुस जाओ और कहीं नाश ना हो जाओ। बोले मुझे डर लगता है। फिर आमोस में ऐसा लिखा है, आमोस भविष्यवक्ता का पुस्तक उसका 5वां अध्याय और उसका 21वां वचन। हाँ, परमेश्वर ऐसा कहते हैं कि तुम जो त्योहार मनाते हो, तुम जो त्योहार मनाते हो, आमोस 5:21, तुम जो त्योहार मनाते हो, परमेश्वर बोलते हैं मुझे उससे घृणा है। और उस दिन तुम लोग जो मीटिंग भी करते हो उसे भी मुझे घृणा है। कई से लोग सिखाते हैं कि नहीं मनानी चाहिए लेकिन मीटिंग फिर भी रखते, बोले लोग रखते तो हम भी रख लेते मीटिंग रख लेते चलो। बोले परमेश्वर का नाम ही तो लेना है। लेकिन सही में जो मसीह को मानने वाले लोग ज़्यादा ही होशियार होते, उनको कुछ ज़्यादा ज्ञान मिला हो, क्यों 25 दिसंबर को लड्डू नहीं खा सकते, वो ऐसा बोलते खाओ ना, कौन मना करता है। गर्मी में नहीं खा सकते, गर्मी में नहीं बना सकते क्या? यही 25 तारीख के बाद 1 तारीख तक ही खाना जरूरी है, 1 हफ्ता छोड़ दो ना, बाकी खाते रहो। प्रभु यीशु ऊपर, लोग यहाँ नीचे, उनकी बर्थडे, यहाँ पर केक है ना, 26 जनवरी मेरा बर्थडे, वडोदरा वाले वडोदरा में केक काटना मेरे लिए, मेरा फोटो भेज दूंगा, बड़ा सा पोस्टर बना देना और पोस्टर को खिलाना, लो स्टेली भाई खाओ, आज आपके बर्थडे हम मनाते, वीडियो बनाकर रखना और लोगों को पूछना क्या कहते हो इस वीडियो के बारे में, और देखना जो जवाब आए, पागल हो आप लोग। जो इंसान वहाँ पर है नहीं, क्योंकि 26 जनवरी को मेरे कहीं पर मीटिंग है इसलिए मैंने नहीं हुआ वहाँ पर, तो एक पागलपन सा है, ये कुछ गलत बातें जो है वो हो रही। कई लोग सामने सवाल करते गर्मी में और लड्डू, तो उसमें क्या है, गर्मी में लड्डू नहीं खा सकते क्या? किसी दिन खाना कोई ज़रूरी नहीं है, नहीं हम तो खाते ही रहते। फिर एक गुजराती लोग तो मालूम ना क्या क्या बना बना कर खाते, हाँ अच्छे खासे आलू मिल रहे थे, उसकी वेफर बना दी, मैगी हो गई, और मठ आते उसका मठिया बना दिया इन्हीं दिनों में चाय के साथ मठिया मिलता है, खाओ पूरे साल खाओ कोई बात नहीं। लेकिन मैं तो बोलता हूँ ये सब तो छोड़ दो, क्योंकि परमेश्वर के लोग जिनके ऊपर पवित्र आत्मा की मोहर है वो अलग दिखने चाहिए, ये मोहर ही हमको अलग दर्शाती है कि ये लोग जो है
वो कुछ अलग से एक लोग देखेंगे यार आज इनका त्योहार है, ना तो कोई नए कपड़े दिख रहे, ना तो इनके घर में लड्डू दिख रहे, ना तो केक दिख रहा है। तो फिर कोई पूछेगा ना ऐसा क्यों, तुमको बता सकते, वो परमेश्वर है और परमेश्वर को कभी कोई इंसान पैदा नहीं कर सकता। सही में हम तभी जो सुसमाचार है प्रकट कर सकते, क्रिसमस मनाकर हम कभी किसी को सुसमाचार जो है वो हम नहीं बता सकते। लेकिन कई लोग बहाने बनाते, यार बच्चे लोग निशा सा डालते, बच्चे लोगों के लिए हम बना देते, हम तो नहीं खाते लेकिन बच्चे लोगों को देखेंगे, लोगों के घर में देखेंगे तो निशा सा डालेंगे। अभी निशा सा डालने बात मेरे दिमाग में नहीं आती, वो इसलिए नहीं आती क्योंकि बच्चा बोलता है मम्मी मठिया बनाओ, मम्मी लड्डू नहीं, क्रिसमस पर बनाएंगे, क्रिसमस पर बनाएंगे, तो तभी क्रिसमस पर निशा सा डालेंगे ना, उसको उस वक्त बना कर दो ना, हफ्ते बाद बना कर दो। तो ये क्या है, अपने आपको ही ठगने वाली बात है। सही में ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन हम परमेश्वर के लोग जो है अलग दिखने चाहिए, मैं इसलिए बता रहा हूँ। तीसरी लहर शुरू हो चुकी है, कोई माने या ना माने, कोई न्यूज़ वाले बताए ना बताए, लेकिन मुझे तो परमेश्वर ने 6 महीने पहले बता दिया था कैसा होने वाला है और शुरुआत हो चुकी है, तो होगा ही। अगर उस वक्त आप लोग अलग नहीं होंगे, जिस तरह से परमेश्वर अपने लोगों को अलग बताते, उस तरह से अगर आप अलग नहीं होंगे तो उस वक्त सही में आप जीवित नहीं रहोगे। और ऐसी किसी महामारी के अंदर अगर आपकी जान चली गई, ऐसा हुआ, तो सही में आपके लिए ये बहुत ही बुरी बात है। परमेश्वर के लोगों के लिए जो मुहर वाले लोग हैं वो अलग दिखने चाहिए। और परमेश्वर के लोग मुहर वाले लोग वो लोग कैसे हैं, कैसे दिखने चाहिए, एक वचन हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 12वां अध्याय और उसका 10वां वचन। मैंने स्वर्ग पर से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना कि अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था गिरा दिया गया। हाँ, शैतान को गिरा दिया है। और वे मेमने के लहू और वे मतलब परमेश्वर के लोग मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। हालेलुया, बहुत ध्यान संबंध है। ये आखिरी 2 लाइन में एक बार फिर से पढ़ दो, वो मेमने के लहू से परमेश्वर के लोग, एक बार बहुत ध्यान से सुनो कि देखो परमेश्वर को क्या कहना चाहते हैं कि वे मतलब परमेश्वर के लोग मेमने के लहू से और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। किसके ऊपर जयवंत हुए? शैतान के ऊपर। कैसे जयवंत हुए? जितने लोगों ने आज गवाही नहीं दी सारे हारे हुए, याद रख लेना सारे हारे हुए। सवाल करना ही नहीं, बाइबल में लिखा है। उन लोगों ने शैतान के ऊपर विजय प्राप्त किया है गवाही से, हो तो बताए ना, परमेश्वर के लोग हो तो गवाही हो ना तुम्हारे अंदर, परमेश्वर के पीछे चलते हो तो ना, ऐसे कैसे गवाही हो जाएगी? परमेश्वर के लोग होने चाहिए, सर के ऊपर मुहर होनी चाहिए, पवित्र आत्मा अंदर होने चाहिए। शैतान ऐसे नहीं हारता, गवाही से हारता है। लेकिन ना कुछ काम किया, ना परमेश्वर का काम किया, ना परमेश्वर में आगे बढ़े, कैसे लोगों के बीच में खड़े होकर गवाही दे सकोगे? कौन सी गवाही दे सकोगे? गवाही ऐसे नहीं दी जाती, चाहे मैं कितना भी चिल्लाऊं, लेकिन हारे हुए लोग
वो गवाही नहीं दे सकते। जो परमेश्वर के लोग हैं उन्होंने मेमने के लहू से उस शैतान के ऊपर विजय प्राप्त किया है। उनके ऊपर परमेश्वर का लहू है, उनके ऊपर मेमने का लहू जो है वो लहू उनके ऊपर है। उस लहू से उन्होंने उस शैतान के ऊपर जो है वो विजय प्राप्त किया है। परमेश्वर के लोग मतलब प्रभु के लहू में ढके हुए लोग, उनके ऊपर लगातार परमेश्वर का लहू सर से लेकर पांव तक रहता है। शैतान उनके पास आ नहीं सकता, शैतान उनको छू नहीं सकता, शैतान उनसे डरता है। और इस तरह से परमेश्वर के लोग जो है वो अलग दिखाई देते। और पता है कि मेमने का लहू कब होता है? मेमने का लहू कब होता है? चलो मुझे कोई एक इंसान ऐसा बता दो कि कल उसने 2 घंटे बाइबल पढ़ा है। आप में से कोई जिसने कल 2 घंटे बाइबल पढ़ा, हाथ उठाओ। जिसने 2 घंटे बाइबल पढ़ा, क्या होगा तुम्हारा? तीसरी लहर के बाद तो लगता है मुझे मीटिंग बंद कर देनी पड़ेगी, बस में और मेरा परिवार होगा। कैसे बाइबल पढ़े बिना कैसे जिंदा रह सकते हो? पता नहीं चलता मुझे। हाँ यार, क्रिसमस थी ना, सॉरी। दो घंटे बाइबल नहीं पढ़ सकते इंसान, सिर्फ रोटी से नहीं लेकिन बाइबल में सारे खाट हुए। बाइबल में कोई भी सवाल पूछो ना, इतना सीखे हुए, बहुत ध्यान से समझना। अलग रहना जरूरी है। जिसने मेमना काटा होगा, फसा का मेमना मतलब बाइबल मतलब ये वचन घरों में खाया होगा तो उनके घर के बाहर लहू होगा। ये तो प्रभु यीशु की बलि है। जब प्रभु यीशु की बलि आपके लिए नहीं, वो आपके लिए मरे ही नहीं, कटे ही नहीं, लहू कहां से आएगा? कहां से आएगा लहू? कभी भी आपका एक्सीडेंट हो सकता है, याद रखना। कभी भी लहर चलेगी और कभी भी आप बीमार हो सकते हो, कभी भी आप अस्पताल में जा सकते हो, कभी भी मर सकते हो, क्योंकि आपने मेमना खाया नहीं। उस फसा के मेमने को आपने खाया नहीं, इस कारण गवाही होनी चाहिए हमारे जीवन में। फसा का मेमना, उसका लहू हमारे ऊपर होना चाहिए। उससे पता चलता है कि ये परमेश्वर के लोग हैं। और ध्यान समझना, हमारे परमेश्वर हमसे बातचीत कर रहे हैं। और भजन संहिता में लिखा है, भजन संहिता उसका 11वां अध्याय और उसका 3रा वचन। यदि नीवे धरा दी जाए तो धर्मी क्या कर सकता है? यदि नीव ढा दी जाए तो धर्मी क्या कर सकता है? तो धर्मी क्या कर सकता है? हालेलुया। एक बार फिर से कोई दूसरा पढ़ दो। यदि नीवे ढा दी जाए तो धर्मी क्या कर सकता है? यदि नीव, नीव मतलब कौन सा पाया? नीव का मतलब क्या? ये धन भाई जहाँ पर बैठे उसके पीछे क्या है? उनके पीछे क्या है? हाँ, पिलर। हाँ, ये नीव है। ऐसा नहीं कि सिर्फ जमीन में डालो वही, इसको तोड़ दो क्या होगा? हाँ, ये नीचे से आ रही है, यहाँ से नहीं है, ये नीचे से आ रही है नीव। नीव अगर टूट जाएगी तो क्या होगा? सारा कुछ गिर जाएगा। फिर से पढ़ो वचन संहिता 11:3। यदि नीवे ढा दी जाए, हाँ, तो धर्मी क्या कर सकता है? यदि नीवे ढा दी जाए
धर्मी क्या कर सकता है? धर्मी मतलब आज्ञाकारी करने वाला, ध्यान समझना, आज्ञाकारी करने वाला। नींव उसको ढा दी जाए, उसको गिरा दी जाए, तो धर्मी आज्ञाकारी करने वाला भी क्या कर पाएगा? आज देखो इस संसार के अंदर बहुत सारी मंडली आए, बहुत सारी मंडली, और हम तो बहुत कम नाम जानते हैं। हम तो मेथडिस्ट जानते हैं, CNI जानते हैं, पेंटिकोस्टल जानते हैं, रोमन कैथलिक जानते हैं, सालेसन आर्मी जानते हैं, ब्रदरन जानते हैं, बस फिर सोचना पड़ेगा। इतना हम जानते हैं, कुछ ज़्यादा जानकार होगा तो बैप्टिस्ट चर्च है, लुथरन है। तो ऐसे अलग अलग मंडलियां जो है, ऐसी अलग अलग कलीसिया जो है, वो इस धरती पर बनी हुई, सभी के पास एक ही बाइबल है, सभी लोग एक ही परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं, लेकिन फिर भी सोचो इतनी सारी मंडलियां क्यों, इतनी सारी मंडलियां क्यों? मैं वो शॉर्ट में कुछ बताना चाहता हूं आपको कि प्रभु यीशु ने ऐसा कहा था कि मैं पत्रस पर मेरी मंडली बनाऊंगा। वो परमेश्वर की ओरिजिनल परफेक्ट मंडली जो पत्रस पर बन गई, जिसमें शुरुआत हुई 120 लोगों से, फिर पहले ही प्रचार में 3000 लोग और आ गए, ये बढ़ते गए हर रोज और इनकी गिनती बढ़ गई। तकरीबन 3 सेंचुरी तक, मतलब 300 साल तक अच्छे से चला सब कुछ। उसके बाद ऐसा हुआ कि शैतान का काम शुरू हो गया मंडली के अंदर, और कोई इधर चलने लगा, कोई उधर चलने लगा, और मेरे ख्याल से सन 606 में, 606 में एक कलीसिया नहीं बनी, रोमन कैथोलिक, जो पास्टर बोनिफेस सेकंड उन्होंने ये कलीसिया बनाई, फादर बोनिफेस सेकंड उन्होंने ये कलीसिया 606 में बनाई, रोमन कैथोलिक कलीसिया। वो सबसे पहले प्रभु यीशु की कलीसिया के बाद की बात कर रहा हूँ, इंसान के बने हुई कलीसिया में सबसे पहले रोमन कैथोलिक कलीसिया बनी, सभी उसी के मेंबर सभी उसी में बढ़ते जाते थे और काफ़ी साल तक चली। फिर मुझे पक्का याद नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से 15वीं सदी में हो सकता है प्लस माइनस हो, लेकिन लुथरन नाम के एक इंसान थे, उनको पवित्र आत्मा ने गाइडेंस दिया कि मंडली ऐसे नहीं चलनी चाहिए, ये सब गड़बड़ी वाली बात है, जिस तरह से चला रहे ऐसा नहीं है, कुछ गड़बड़ है इसमें, और उनको गड़बड़ी बताई। उन्होंने पोप से मांगा कि मुझे एक बाइबल चाहिए, बाइबल नहीं दिया गया उनको, और उस वक्त जितना मैं जानता हूँ 20 बाइबल थे, और एक बड़े संदूक के अंदर ताला मारकर उसको रख दिया गया था। तो ये भाई साहब ने रात में जाकर उस ताला तोड़कर बाइबल चुरा लिया वहाँ से, बाइबल चुरा कर उन्होंने बाइबल पढ़ा, तो उनको पता चला नहीं गलत सब चल रहा है, जिस तरह से परमेश्वर बता रहे उस तरह से कलीसिया नहीं चल रही, ये गलत रीति से चल रही है, इसलिए उन्होंने इस बात का विरोध किया, ऐसे नहीं चलनी चाहिए मंडली, बाइबल में ऐसा लिखा है ऐसा लिखा है। बहुत लोगों को बताया, बहुत लोग उनके साथ हो गए, और बहुत लोग उनके साथ हो गए, उन लोगों ने विरोध किया, और विरोध करना उसको इंग्लिश में बोलते प्रोटेस्ट, मतलब विरोध करना, और जो लोग विरोध करते वो प्रोटेस्टेंट, लोग बोलते हैं ना हम प्रोटेस्टेंट हैं, मतलब विरोधी लोग हैं, अपने आप को प्रोटेस्टेंट बताने वाले विरोधी लोग हैं। अभी ये लोग जुदा हो गए, वक्त वक्त पर उसमें भी लोग जुदा होते गए। अभी किसी ने देखा पवित्र आत्मा है तो अन्य भाषा भी, अन्य भाषा बोलनी चाहिए, तो कुछ लोगों ने मांग ली होगी अन्य भाषा, उनको अन्य भाषा मिल गई होगी, तो लोग चर्च में जोरों जोरों से बोलने लगे अन्य भाषा। अभी शोर शराबा होने लगा, लेकिन इन लोगों को भी दिखाना था हम तो पवित्र आत्मा वाले, हम तो अन्य भाषा वाले। तो किसी ने पढ़ा बाइबल में जॉन वेस्ली, बोले पढ़ा है नहीं, अन्य भाषा तो है, इस तरह से नहीं बोलनी, दो बोले या ज़्यादा से ज़्यादा 3 बोले, और वो भी तब बोले कि जब वहाँ पर अनुवाद करने वाला हो, और वो भी बारी बारी से बोले नहीं ये गड़बड़ है। उन लोगों ने विरोध किया, बोले नहीं हमारे परमेश्वर व्यवस्था का परमेश्वर, व्यवस्था के नाम से, व्यवस्था मतलब मेथड,
एक मेथड को लेकर मेथडिस वाले अलग हो गए, जॉन वेस्ली वाले मेथडिस हो गए। तो फिर किसी ने देखा कि तो ऐसे छींटे मारते बपतिस्मा का, ऐसा नहीं है, बपतिस्मा तो डूब कर रहना चाहिए, तो बैप्टिस्ट चर्च हो गया। तो विलियम बूथ ने देखा ये लोग तो किसी को भी बपतिस्मा दे देते हैं, किसी को भी प्रभु बोध दे देते, ऐसा नहीं होना चाहिए, बपतिस्मा से पहले सिखाना चाहिए, सही बात है उनकी, प्रभु बोध भी सभी को नहीं देना चाहिए, उनको सिखाना चाहिए। तो बोले इसको उड़ा ही दो, प्रभु बोध उड़ा दिया, बपतिस्मा उड़ा दिया और सालेसन आर्मी कलीसिया अलग हो गई। ऐसे बहुत सारा कुछ हुआ, बहुत डिटेल में हम नहीं जाते, लेकिन ऐसा हुआ उसका कारण क्या कि सभी लोग विरोध करने वाले पैदा हुए। मैं मानता हूं कि लूथरन को सच्चाई मिली कि जिस तरह से मंडली चल रही ऐसे नहीं चलनी चाहिए, तो क्या विरोध करना चाहिए? नहीं, जो अगुए थे या पोप थे उनको मिलना था कि देखो बाइबल में ऐसा लिखा है, हम ऐसा करते। और पवित्र आत्मा से सामर्थ्य से प्रार्थना कर अगर ये सब काम किया होता तो मुझे लगता है कि कलीसिया रहती कोई प्रोटेस्टेंट ना होता और कलीसिया में सुधार आ जाता, लेकिन वो विरोध कर अलग हो गए। तो फिर पवित्र आत्मा वाले भी विरोध कर अलग हो गए। जो भी है सभी को सच्चाई तो मिली, अन्य भाषा है सच्चाई, लूथरन को सच्चाई मिली, जॉन वेस्ले को सच्चाई मिली, व्यवस्था के परमेश्वर विलियम बूथ को भी सच्चाई मिली, सभी को बपतिस्मा नहीं देना चाहिए, सिखाना चाहिए, सभी बात सही है, लेकिन विरोध कर अलग नहीं होना चाहिए था, उनको मनाना था, उनको बोलना था ऐसा नहीं, बाइबल में ऐसा लिखा है, हमें ऐसा करना है, ऐसा करना है। लेकिन जो मंडली के अगुए थे वो अगुए को न मानकर उनका विरोध कर वो अलग हो गए। अभी मुझे एक बात बताओ, लूथरन अलग हो गए तो क्या परमेश्वर खुश हो गए होंगे? वाह लूथरन तूने बहुत अच्छा किया। क्या जॉन वेस्ली अलग हो गए तो क्या परमेश्वर बहुत खुश हो गए होंगे? क्या सीएनए वाले अलग हो गए तो क्या परमेश्वर बहुत खुश हो गए होंगे? अच्छा हुआ क्या? ऐसा नहीं, हमारे परमेश्वर तो एकता में मानते, एक रहो उसमें मानते। परमेश्वर ऐसा बोलते अगर आप में कोई ऐसा है, आप में कोई ऐसा बुरा है, नहीं मानते उसको निकाल दो ना, तुम लोग जुदा क्यों होते? लेकिन बात कुछ और हो गई। और फिर से पढ़ो तो एक वचन संहिता 11 का 3, यदि नीवे ढा दी जाए तो धर्मी क्या कर सकता है? जो मंडली की नींव है उसको ही मार दो, उसको ही गिरा दो। तो फिर परमेश्वर बोलते धर्मी करेगा क्या? उसको तो चलना है, लेकिन नींव ही गिर चुकी है तो भी वो गिरेगा ही गिरेगा, वो भी मरेगा ही मरेगा। जब मैं मसीह में आया तो मैं परमेश्वर का सही में बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं इसलिए धन्यवाद करता हूँ कि मुझे मसीह में लाने के लिए मेरे पास कोई भी परमेश्वर का दास नहीं आया था, कोई पास्टर नहीं, कोई परमेश्वर का दास नहीं जिसका इस्तेमाल होता हो। मैं खुद प्रार्थना के लिए गया था और जहाँ पर मैं प्रार्थना के लिए गया था वो मेरे बहन थी, मेरे जीजाजी थे और मेरा भाई था और मेरी भाभी थी, हम लोग उनके पास गए। उन लोगों ने भी अभी तो अपना जीवन समर्पित नहीं किया था परमेश्वर को, सभी लोग नए थे, बस किसी मीटिंग में जाते थे और उन इतना सीखे थे कि हाँ प्रार्थना से सब कुछ काम होता है। उन लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना की, एक भी बार उन लोगों दुष्टात्मा को नहीं डांटा क्योंकि पता ही नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने कृपा की और परमेश्वर ने मुझे छुटकारा दिया। उसके बाद वो लोग जो संगति में जा रहे थे मैं भी वहीं पर जाने लगा, लेकिन वो सेवक का मेरे ऊपर ऐसा कुछ नहीं था कि वो मुझे बोल सके कि मेरी वजह से तू आज यहाँ पर है। वहाँ जाकर मुझे पवित्र आत्मा के बारे में कुछ सवाल हुए, मैंने उनको बताया मुझे आप पवित्र आत्मा के बारे में सिखाओ, बोले ठीक है पवित्र आत्मा के बारे में सिखाता हूँ। लेकिन जो जब वो सिखाते पवित्र आत्मा नाम की कोई बात ही नहीं आती थी, मैं सोचता था सिखा क्या रहे। मैंने बाइबल में पढ़ा कि पवित्र आत्मा को सीखने के लिए पवित्र आत्मा ही चाहिए और पवित्र आत्मा मैंने पाया और परमेश्वर ने डायरेक्ट मुझे जो कुछ बातें जो डायरेक्ट वो पवित्र आत्मा ने मुझे डायरेक्ट सिखाई,
ना मैं कहीं पर बाइबल कॉलेज गया, मुझे कोई ऐसा नहीं बोल सकता तू मेरे वहाँ सीखा और मेरे वहाँ तू बड़ा ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब मैं बढ़ता था तो मेरा जो अगुआ था उसको तो बुरा लगा, उसने तो मुझे बोला तू यहाँ से निकल जा, मेरे पास आना ही नहीं। तो मुझे आगे बढ़ाने के लिए कोई भी कुछ नहीं था। और फिर मैं और मेरी पत्नी हम लोग हर रोज प्रार्थना में बैठते थे, हर रोज बैठते थे, बाइबल पढ़ते थे, प्रार्थना करते थे। ना मुझे कुछ आता था ना उसे कुछ आता था, अगर मुझे कुछ समझ में आ जाता तो पढ़ते पढ़ते मैं उसको बता देता था कि देख बाइबल में ऐसा लिखा है, परमेश्वर ऐसा कहना चाहते थे। एक बार वो बाजार में दूध लेने के लिए गए, वहाँ पर एक कपल मिल गया, उनके साथ बात हुई, वो बोले अगर आप लोग दो लोग बैठते तो हम भी आते, वो दोनों भी आने लगे। उसके बाद एक तीसरे कपल को पता चला तो वो लोग भी आने लगे और बंदगी शुरू हो गई, मीटिंग शुरू हो गई। ये ऑटोमेटिक हुआ, ऐसा कुछ नहीं था कि मैंने कुछ सोचा कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं सेवक बन जाऊँगा और मैं मंडली बनाऊँगा, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन चलते चलते सारी बातें जो है हो गई। लेकिन इफिसी में ऐसा लिखा है, इफिसी उसका दूसरा अध्याय और उसका 19-20-21 पढ़ दो। इसीलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए प्रेरित और भविष्य वक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्थर यीशु स्वयं ही है बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बन जाती है। हालेलुया। अभी यहाँ पर पौलुस वो मंडली को कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि तुम विश्वासी लोग, बहुत ध्यान समझना आज एक वचन कि परमेश्वर आज आपसे बहुत स्पष्ट बात करने के लिए जा रहे। पौलुस पवित्र आत्मा से एक विश्वासी लोगों को यह बताने जा रहे, मंडली वाले को यह बताने के लिए जा रहे कि तुम प्रेरित और भविष्य वक्ता की नींव के ऊपर, तुम नींव नहीं हो, तुम विश्वासी लोगों। उस मंडली वाले को पौलुस कहते कि तुम लोग उस नींव के साथ जुड़कर एक परमेश्वर का एक भवन, एक के बाद ईंटें मिलकर जिस तरह से भवन बनता है, उस तरह से विश्वासी एक दूसरे के साथ मिलकर उस प्रेरित और भविष्यवक्ता की नींव के ऊपर तुम एक परमेश्वर के लिए एक भवन जो है वो भवन बन रहे हो। हालेलुया। प्रेरित वो नींव है, भविष्यवक्ता वो एक नींव है, विश्वासी लोग एक ईंट है और ईंट एक दूसरे के साथ मिलकर परमेश्वर का एक आत्मिक भवन जो है वो आत्मिक भवन बनाते हैं। कभी किसी का घर बनता हो, बिल्डिंग बनता हो, जाकर देखना कि नींव कैसे बनती है, नींव कैसे बनाते हैं, उसके साथ कोई समझौता नहीं। फिर उसके बाद जब दीवार बनाते कोने में आ गई, अभी ईंट इतनी आती है, जगह इतनी है, तो क्या करते ईंट को क्या करते है? कभी ऐसा देखा पिलर को तोड़ा, कभी देखा नींव को तोड़ा। हालेलुया। अगर बाय चांस ऐसा कर दे तो क्या होगा? सब कुछ खत्म हो जाएगा, बिल्डिंग बनेगी ही नहीं। इतने सारे कलीसिया, उनके हालात देखो और देखो उन लोगों ने अपने अगुए को, अपनी नींव को छोड़ दिया और नींव को छोड़ने के कारण वो खुद नींव बनने के लिए बैठ गए और खुद नींव बनकर बैठ गए। तो देखो अलग अलग मंडली जो है वो बनती गई। लेकिन क्या होगा उससे? ईंटों से कभी भी नींव जो है वो नहीं बनाई जाती। पिल्लर को मिस्त्री कभी कुछ भी नहीं करता, जो नींव है उसको कुछ भी नहीं करता, लेकिन जो ईंट है ईंट को ही तोड़ता है, ईंट को ही एडजस्ट करता है और एडजस्ट करके ईंट को ही वहीं पर डालता है। इसे बहुत ध्यान से समझ लेना, विश्वासी लोगों को ही अपनी नींव से एडजस्ट होना पड़ेगा। नींव में ऐसा कुछ है ही नहीं कि जिसके कारण आपने उनको कुछ कर सको,
मरियम और हारून, मूसा की बड़ी बहन और मूसा के बड़े भाई। मूसा 80 साल के थे तब, किसी को मालूम हारून कितने साल का था? 83 साल, 3 साल बड़े। जब मूसा बच्चे थे तब मरियम ख्याल रखती थी, और फिर उनकी लड़की को बोला क्या इसको दूध पिलाने के लिए मैं किसी को लेकर आऊँ, इतनी समझदार थी। तो ज़्यादा नहीं 10-12 साल की वो हो गई, मतलब वो हारून से भी बड़ी थी। ये दोनों एक बार मूसा के पास आए, मरियम अच्छी थी, आराधना करती थी, जैसे मरियम ने खंजरी बचाई थी, हाँ अच्छी थी, मसीह में चलने वाली। हारून प्रधान याजक पहले वाला, हालेलुया। लेकिन इज़राइल को छुड़ाने वाले कौन? मूसा नहीं हुई थी। ए मूसा, तूने कूशी स्त्री के साथ शादी क्यों की? परमेश्वर मुझे भी नहीं पता चला मूसा ने ऐसा क्या है, मूसा बाहर निकल, ऐसा हुआ कुछ? कोड़ी कौन हो गया? जरूरत किसकी पड़ी? ए मूसा प्रार्थना कर, इसके लिए प्रार्थना कर, निव के लिए छी खिलवाड़ा मत करना। और ध्यान से आज बहुत स्पष्ट बताने जा रहा हूं, खिलवाड़ा मत करना। परमेश्वर मूसा को कुछ नहीं बोला, 250 लोग आ गए, ए मूसा तो अकेला पवित्र है क्या? हम लोग पवित्र नहीं? क्या परमेश्वर तेरे साथ अकेले के साथ बात करता है? क्या हमारे साथ बातें नहीं करता? तो क्या मिस्र में करते थे तेरे साथ बात? मिस्र में आए थे परमेश्वर तेरे पास? वो तो मैंने अभिषेक किया, मैंने तुम लोगों को आगे बढ़ाया, और तब परमेश्वर तुम्हारे साथ बात कर रहे, तब परमेश्वर तुम्हारे बीच में रहे, मेरे कारण है। मूसा नहीं बोले, लेकिन मूसा चाहे तो बोल सकते थे। मूसा को कुछ हुआ? लेकिन 250 लोगों का क्या हुआ? 250 लोग नर्क में चले गए उसी वक्त, जिंदा के जिंदा नर्क ने अपना मुंह खोल दिया। क्या ये 250 लोगों के बिना मूसा का काम नहीं चलता था? क्या मूसा पहले अकेले नहीं करते थे काम? क्या मूसा ने कभी बोला मैं थक गया? वो तो उसके ससुर ने बोला कि मूसा अकेला क्यों बोझ उठा रहे? तो परमेश्वर ने बोला हाँ मूसा सही बात है, लोगों को काम बांट दे, मत और लोगों को भी आगे बढ़ाओ। परमेश्वर का कोई भी दास कभी भी कमजोर हो ही नहीं सकता, उसको कितना भी काम दो ना, कितना भी भगाओ, भागेगा, करेगा ही काम, लेकिन वो दूसरों को आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्न करता है। उसके अकेले से काम नहीं होता, ऐसा नहीं, वो तो सारे काम कर ही सकता है, लेकिन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए उनको उत्तेजित करता है, बढ़ो आगे, दौड़ो, जाओ इधर जाओ उधर जाओ, आत्मा जीतो, ये करो, बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा पाओ, ये बोझा उठाओ, ये बोझा उठाओ, नहीं होता ऐसा नहीं। उनको भी आगे बढ़ाने के लिए जो नींव है वो काम करती है। मूसा से काम नहीं होता था ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन मूसा की सोच बहुत बढ़िया थी। और गिनती की पुस्तक में लिखा है, गिनती का पुस्तक उसका 11वां अध्याय और 29 वचन, क्या तू मेरे कारण जलता है? भला होता यहोवा की सारी प्रजा के लोग नबी होते। हाँ मूसा चाहते कि सारे लोग भविष्यवक्ता हो जाए, सारे लोग भविष्यवाणी करे। परमेश्वर का सच्चा दास कभी नहीं चाहता कोई आगे ना बढ़े, वो तो लोगों को आगे बढ़ाने के लिए वो काम करता ही करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो खुद नहीं कर पाता, ऐसा नहीं, वो नहीं कर पाता, वो तो कर ही पाता है। यहूदा इस्करियोती होती प्रभु के साथ में चला, तो प्रभु कौन सा काम रुक गया? क्या प्रभु का कोई काम रुका? देमास चला गया पौलुस को छोड़कर, तो क्या पौलुस गिर पड़े? क्या पौलुस थक गए? क्या पौलुस हार गए? हुमना उसे विश्वास छोड़ दिया, सिकंदर विश्वास छोड़ दिया, अपने हृदय में उन लोगों ने ऐसी गंदगी भर ली और वो लोग भी पौलुस से अलग हो गए। तो क्या हुआ? क्या पौलुस काम नहीं कर पाए? क्या पौलुस डर गए? क्या पौलुस गिर पड़े?
ऐसा नहीं हुआ पिलर जो है उसे कुछ नहीं होता कि जिसको परमेश्वर नहीं बनाते उसे कुछ नहीं होता कि मिस्त्री ईंट को ही सेट करेगा कि उसको ही तोड़ेगा फोड़ेगा लेकिन पिलर के साथ वो कुछ नहीं करेगा कि और परमेश्वर के लोग वो टूट जाएंगे फूट जाएंगे लेकिन अपने अगुआ के साथ सेट हो जाएंगे, ये अलग दिखेंगे, ये अपने अगुआ के साथ उस पिलर के साथ वो सेट हो जाएंगे, वो विरोध नहीं करेंगे उसका। फिर से पढ़ो तो जो हमने पढ़ा था भजन संहिता उसका 11:3 यदि दीवे ढा दी जाए तो दर्पी क्या कर सकता है। हाँ गुजराती में भी पढ़ो उसको राज्य ना पायनो नाश थाई छे हाँ तो न्याय शु करी सके। हाँ बात कुछ अलग है, परमेश्वर के राज का पिलर उसको मार दो बाद में क्या होगा, उसके साथ अगर आप बुरा व्यवहार करो। सही में कहना ये चाहता है कि जो ईंट है उस पिलर के साथ उस नींव के साथ अगर बुरा व्यवहार करे उसको गिरा दे, गिरा देने का मतलब ये नहीं कि तोड़ डाले, उसका बुरा करने की सोचे उसकी बुरी बातें करे उसकी निंदा करे तो क्या होगा, क्या वो स्वर्ग में जा पाएगा। नींव के साथ कुछ भी खिलवाड़ करने के बाद वो कुछ भी नहीं कर सकता, वो स्वर्ग में कभी भी नहीं जा सकता। वो लोग जो परमेश्वर के लोग कभी पूछेंगे नहीं हे मूसा उस स्त्री के साथ उन्होंने शादी क्यों की। देखो परमेश्वर कभी गलती नहीं निकाली, मैं जो भी बातचीत हो गई वो परमेश्वर मूसा के बीच में बातचीत हो गई होगी, मूसा ने अकेले से कुछ नहीं किया लेकिन क्या नींव सारी बातें लोगों को बताता ही रहे, जो भी परमेश्वर ने बताया क्या सारी बातें वो लोगों से कहता ही रहे कि मुझे परमेश्वर ने ऐसा बोला मैं करूँ या ना करूँ, परमेश्वर ने बोला तो कर दिया बस बात खत्म। लोगों ने बोला तू क्यों अगुआ बनकर बैठा है, लेकिन परमेश्वर के लोग होंगे तो ऐसी बातें कभी नहीं करेंगे, वो लोग याद रखेंगे कि इसी के जरिए आज मैं जहाँ पर हूँ मैं इसी के जरिए हूँ और इसलिए वो नींव के साथ वो कुछ नहीं करेंगे। घूमना आयुष और सिकंदर वो कभी अपने हृदय को बिगाड़ते नहीं, और बाइबल में लिखा हम पढ़ते हैं 1 थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय उसका 13वां वचन और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो, आपस में मेल मिलाप से रहो। आपस में मेल मिलाप से रहो, यहाँ अगुए की बात की है कि उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहो। कोई गुजरात में पढ़ो एक बार हाँ, परमेश्वर बोलते हैं कि जो आपका अगुआ है जो आपका पिलर है जो आपकी नींव है उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहो, बोले उसके अधीनता में रहो उसके साथ अच्छे से व्यवहार करो। एक बार एक इंसान बाजार में गया था वहाँ तीतर बिक रहे थे और तीतर बिक रहे थे, उसको पूछा तीतर का रेट क्या है, बोले 50 रुपये की, और एक पिंजरे में तीतर अलग से था, बोले इसका रेट, बोले वैसे तो मैं इसको बेचना नहीं चाहता लेकिन चलो फिर भी अगर तू खरीदना चाहता है तो दे दूंगा लेकिन 500 रुपये की, बोले 500 रुपये दोनों सेम दिख रहे, बोले ये मेरा पाला हुआ है, जब भी मैं जाल बिछाता हूँ ना तो ये भी जाल में बैठ जाता है और अपने साथी लोगों को आवाज़ कर बोले आ जाओ और सभी लोग जाल में फंस जाते हैं, ये मेरा पाला हुआ ऐसा काम करता है, बोले तो फिर वही दे दे 500 रुपये दिए, तीतर को बाहर निकाला उसकी गर्दन मरोड़ दी मार दिया उसको, बोले 500 रुपये खर्च करके क्या किया, बोले इसका क्या परोसा जो अपने साथी लोगों को फंसा दे। आज होता है मंडली में ऐसा, चले जाते हैं मिलने के लिए बातें भी करते फोन भी करते बातें कुछ उल्टी होती लेकिन बातें आ जाती है सामने की, क्यों नाश में जाने का प्रयत्न कर रहे हो, क्यों किसी के घर में जाकर किसी के विरोध में कड़वाहट डालते हो, क्यों फोन के जरिए किसी के साथ किसी खोटी बातें करते किसी के मन को खट्टा कर देते हो। ये पवित्र आत्मा का काम नहीं, ये शैतान के एजेंट का काम है, याद रखना ये शैतान के एजेंट का काम है। परमेश्वर के लोग अलग दिखने चाहिए, उनके जीवन में
ये काम नहीं होता। वो तो अपने लोगों को, उस पिलर को, अगुए को उसके साथ कंधे से कंधे मिलाकर उसके साथ एडजस्ट होकर वो रहता है, उसका आदरमान करता है। पर मत्ती में लिखा है, मत्ती उसका 5वां अध्याय और उसका 14वां वचन, तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता। बाइबल में लिखा है कि जो शहर पहाड़ पर बसा होता है वो कभी छिपा नहीं रह सकता। परमेश्वर के लोग ऐसे होने चाहिए, दूर से दिखाई देने चाहिए परमेश्वर के लोग। इसको बुलाओ, ये आएगा मेरे साथ, ये मेरे घर में आएगा, मेरा ये काम हो जाएगा, मैं इससे प्रार्थना करवाऊंगा, मेरी प्रार्थना सफल हो जाएगी, मैं इसको बुलाऊंगा और ये मुझे 2 वचन अच्छे सिखाएंगे। पहाड़ पर बसा हुआ शहर, इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर के लोग धनवान होने चाहिए, लेकिन दूर से देखे ऐसा होने चाहिए। हालेलुया। वो ध्यान से परमेश्वर के वचन को समझना। जो वचन आज हमने पढ़ा था मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय, और हमने पढ़ा था 16 से लेकर 20 वचन तक, और प्रभु उसको आखिर में जब अपने लोगों से मिले, चेलों से मिले, और आखिरी हिदायत उनको दे कि जाओ और सभी देशवासियों को मेरा चेला बनाओ, ऊपर स्वर्ग में इस धरती के ऊपर सारा अधिकार मेरे हाथ में है। और परमेश्वर बोलते हैं कि उनको पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। फिर परमेश्वर बोलते हैं कि जो जो आज्ञा मैं तुम्हें दी उनको मानना सिखाते जाओ। और फिर एक वचन परमेश्वर बोलते हैं, हम पढ़ते उसका 20वां वचन, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। हाँ। और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। हालेलुया। क्या लिखा है, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। सदा तुम्हारे संग हूं, सदा। प्रभु उसने बोला, एक बार एक दुकान के ऊपर कोई कुछ खरीदने के लिए गया था, अच्छी दुकान थी, कपड़ा भी मिल रहा था, साथ में वहाँ पर खाने का सामान भी मिल रहा था, मतलब कि तेल चावल गेहूँ वगैरह एक ही दुकान में सब कुछ। और एक इंसान वहाँ से कुछ खरीद रहा था, उसके साथ में एक इंसान खड़ा था, काफ़ी पैसे वाला था, इससे कुछ खरीदा हो सकता है 400-500 रुपये का, उससे कुछ खरीदा 15-20 हज़ार का, उसके पास काफ़ी पैसे थे। ये दोनों साथ साथ एक ही दुकान में से खरीद रहे थे। अब ये जो धनवान था इसके साथ रहकर खरीद रहा था, क्या इसको इसका कोई फायदा है? जिसने 500 रुपये का खरीदा, क्या उसको कोई फायदा है? जो उसके साथ कोई धनवान इंसान खड़ा है उसके साथ में, तो क्या इसको कोई फायदा होगा? आया ना, उसको कोई फायदा नहीं। प्रभु उसे भी ऐसा बोलते, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। वो इंसान पलटा, जिसे 500 रुपये का खरीदा था, जिसने 15-20 का खरीदा, वो भी पलटा, दोनों साथ बाहर निकलने लगे। और वहाँ पास में जो धनवान इंसान था उसकी पत्नी आई थी, उसने उसका हाथ पकड़ा, दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा, दोनों साथ में चल पड़े, वो भी तो साथ में थी, क्या उसको फायदा हुआ या नहीं? उसकी पत्नी को फायदा हुआ या नहीं? हालेलुया। क्यों? वो भी उसके साथ थी, ये तो था, वो भी उसके साथ थी। ये 500 वाला उसके साथ वो था धनवान, ये कौन सा उस धनवान के साथ था? प्रभु से बोलते हैं, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं, कोई फायदा नहीं होने वाला। प्रभु उसने बोल दिया, मैं सदैव तुम्हारे संग हूं। ना ही उस इंसान ने इंसान का बिल भर दिया, ना ही जो खरीदा उसमें से कुछ दिया, कोई फायदा नहीं। परमेश्वर ने तो बोल दिया, मैं तुम्हारे साथ हूं, तो परमेश्वर हमारे साथ है। ऐसी कोई जगह जहां पर परमेश्वर नहीं है? हालेलुया। है ऐसी कोई जगह जहां पर परमेश्वर नहीं?
फिर भी कभी सर दर्द हो जाता है। हालेलुया। खांसी सर्दी हो जाती है ना, कभी ठोकर लग जाती है ना, इसका मतलब क्या हुआ? आप उनके साथ नहीं हो। परमेश्वर तो है साथ में, उन्होंने तो बोल दिया, लेकिन हम उनके साथ नहीं। परमेश्वर ने इज़राइल लोगों को बोल दिया कि इज़राइल लोग एक दिन की जासूसी के कारण 40 साल तक, एक दिन के लिए एक साल, 40 दिन के लिए 40 साल, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। उनको कपड़े दिए, उनको खाना दिया, लेकिन हर रोज उनमें से 44 लोग हर रोज मरते थे, जिससे पता चलता था कि हमारा गुजारा तो होता है, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ नहीं। और मूसा ने कहा, इन 40 सालों में तुम्हें ना तो पैसों की तकलीफ, ना कपड़ों की तकलीफ, ना जूतों की समस्या, कुछ भी नहीं आई, यहां तक कि तुम्हारे पैरों में सूजन तक नहीं आई, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे साथ थे। लेकिन मरे क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के साथ नहीं थे। 603,548 लोग मर गए। हर रोज के हर रोज एवरेज निकालो, 44 लोग मर गए। एलिशा परमेश्वर का भविष्यवक्ता, क्या उनके साथ परमेश्वर थे या नहीं थे? साथ में बोलते जाना, तुम्हें पता चलेगा। सुन रहे हो, एलिशा के साथ थे कि नहीं? एलिशा के साथ गेसी था कि नहीं? गेसी के साथ परमेश्वर थे कि नहीं? गेसी से बच्चा जिंदा हुआ? क्यों? क्योंकि गेसी परमेश्वर के साथ नहीं था, लेकिन परमेश्वर पूरे सामर्थ के साथ गेसी के साथ थे। लेकिन गेसी परमेश्वर के साथ नहीं था, तो परमेश्वर का साथ होने से फायदा क्या? कोई फायदा नहीं। प्रेरित के काम में लिखा, उसका 4 अध्याय, उसका 13 वचन, जब उन्होंने पत्रस और यहोना का साहस देखा और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य है, तो आश्चर्य किया, फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। हाँ, अनपढ़ है तो गवार है, लेकिन इनमें इतना सामर्थ कैसे? और अरे, ये तो वो लोग हैं जो प्रभु के साथ थे। ये प्रभु के साथ थे कौन? हालेलुया। चेले प्रभु के साथ थे। प्रभु के साथ आप हो गए ना, लोग भीड़ में भी पहचान ले, ये प्रभु वाला है, ये मोहर वाला है, इसको बाहर निकालो, ये अलग से है। हालेलुया। जो परमेश्वर आपके साथ, लेकिन आप परमेश्वर के साथ नहीं, तो कोई फायदा नहीं। अगर परमेश्वर आपके साथ और आप भी परमेश्वर के साथ, तो क्या हो सकता है और कैसा होना चाहिए? मत्ती में ऐसा लिखा, हम पढ़ते हैं उसका 12 अध्याय और उसका 30 वचन, जो मेरे साथ नहीं, परमेश्वर बोलते वो कौन है? वो तो मेरा विरोधी है। मसीह का विरोधी मतलब प्रभु यीशु मसीह, तो उनका विरोधी मतलब मसीह का विरोधी। कहीं ऐसा तो नहीं साथ ही आने वाला है? बहुत जल्द सामर के साथ। फिर आगे क्या लिखा है? और जो मेरे साथ नहीं, हाँ? नहीं बटोरता, वह बिखेरता है। जो मेरे साथ बटोरता नहीं, कितना बटोरा आज तक? कितने आत्मा बटोरे? कितने आत्मा पा लिए? कितने को सुसमाचार दिया? कितने लोग बचाए? प्रभु यीशु कहते, जो मेरे साथ बटोरता नहीं, मतलब प्रभु यीशु का काम चालू है। आप नहीं बटोरते तो भी ना, और जो मेरे साथ बटोरता नहीं, वो कौन है? तो मेरा विरोधी है, वो तो बिखेरने वाला है। हो सकता है किसी के साथ संगति करते हो आप, किसी को किसी के विरोध में भड़का दो, उसके अंदर कड़वाहट डाल दो, लेकिन प्रभु यीशु में जुड़ नहीं जुड़ सकते अगर प्रभु यीशु के साथ आप नहीं हो। अगर प्रभु यीशु आपके साथ और आप अगर प्रभु यीशु के साथ, तो आप गलत ऐसे जो भी त्योहार है उससे आप अलग रहोगे। अगर परमेश्वर आपके साथ और आप भी परमेश्वर के साथ हो, तो समझ लेना कि आपने शैतान के ऊपर विजय प्राप्त किया है। अगर परमेश्वर आपके साथ और आप भी परमेश्वर के साथ, आपके मुंह से गवाही सिर्फ संडे को नहीं, हर पल निकलती रहेगी। हर पल
और अगर परमेश्वर आपके साथ और अगर आप परमेश्वर के साथ हो तो परमेश्वर का पवित्र लहू और आपके ऊपर हमेशा वो कवर करते हुए रहेगा। आप परमेश्वर के बाइबल को हर रोज पढ़ने वाले बनोगे। और अगर परमेश्वर आपके साथ और अगर आप भी परमेश्वर के साथ तो आप परमेश्वर के राज में बहुत लोगों को लेकर आने वाले बनोगे। और अगर परमेश्वर आपके साथ और आप भी परमेश्वर के साथ तो आप भेड़ होगे, बकरे नहीं सिंह उठाने वाले। प्रभु से कहते हैं इस संसार के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ हूँ। उन्होंने तो वादा कर लिया, वादा निभा रहे, लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है क्या आप परमेश्वर के साथ हो या नहीं। उनके साथ होने से आपको कोई फायदा नहीं, आप उनके साथ होने चाहिए। परमेश्वर बोलने चाहिए मेरा, ये मेरी, तो ही आपको फायदा है, वरना आने वाले दिन और बहुत ही भयानक है। हाँ, हम सभी अपने आँखों को बंद करें, अपने मस्तकों को प्रभु से आगे झुकाएं कि जो राजाओं के राजा है, जो प्रभु के प्रभु है, जो हमारे बीच में है, जो कभी नहीं बदलते। सभी लोग अपनी आँखें बंद रखें। मेरे प्रियो, आखिरी वक्त है। परमेश्वर का वचन दुधारी तलवार से भी ज़्यादा तीखा है। वो हमारे हड्डी, पसली, प्राण, आत्मा सभी को जुदा कर देते। आज प्रभु यीशु का वचन वो मैं कह रहा है, परमेश्वर कह रहे मैं तेरे साथ हूँ, मैं सदैव तेरे साथ हूँ। लेकिन सामने सवाल एक बड़ा है, क्या मैं परमेश्वर के साथ हूँ या नहीं। ये वक्त है कि अपने आप को जांचो, ये वक्त है अपने आप को परखो, क्या मैं परमेश्वर के साथ हूँ। अगर आप परमेश्वर के साथ हैं, उसके निशान दिखाई देंगे, आपके मुंह से गवाही निकलती रहेगी, आप बीमारों से हमेशा के लिए आजाद हो जाओगे। अगर आप परमेश्वर के साथ हैं तो प्रभु के लहू में कवर होंगे। अगर आप प्रभु के साथ हैं तो बाइबल आपके जीवन से कभी जाएगा नहीं, बाइबल पढ़े बिना आप जिंदा नहीं रह सकते। अगर आप प्रभु के साथ हो तो आप भेड़ होंगे, बकरे नहीं। अगर आप परमेश्वर के साथ हो तो आप अपने नींव के साथ जुड़े रहोगे। अगर आप परमेश्वर के साथ हो तो नींव के साथ एडजस्ट होकर रहोगे। खुद को जांचो, खुद को पहचानो, क्या मैं परमेश्वर के साथ हूं। यह वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु की कृपा हम सभी पर होने पाए।